जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और अच्छी जानकारी मिलती रहे। मुझे एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया है कि क्या पंडित जी आप बता सकते हैं हमें कि जीवन में बुरा वक्त आने से पहले हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं? अगर हम उन संकेतों को पहले से भाप जाएं तो हम शायद बुरे वक्त से बच सकते हैं। ये प्रश्न है उनका। तो ये वीडियो बुरा वक्त आने से पहले कौन कौन से हमें संकेत मिलते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और बहुत अच्छी बात है जो आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगी। अगर जीवन में कोई परेशानी आपके चल रही है जिसका आप समाधान चाहते हैं, सकारात्मक समाधान, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस है, आप पे करके बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारी बातें हैं कि बुरा वक्त आने से पहले ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी के इस दौर में बुरा वक्त कोई भी व्यक्ति झेल रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है आर्थिक क्राइसिस। अगर आप आर्थिक रूप से क्राइसिस झेल रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो चीज़ें हो रही है मैं वही बता रहा हूँ। तो पहली और मुख्य बात है कि अगर आप धन का बेफिजूल खर्च कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में बेफिजूल खर्च, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, तो आप समझिएगा कि आने वाला समय जो है आपका बुरा आने वाला है। क्योंकि जब एक छोटी सी परेशानी भी होगी और जब हमारे पास धन नहीं होगा जिससे कि हम उन चीज़ों को सकारात्मक समाधान नहीं मिल पाएगा और हम फिर उलझते जाते हैं। दूसरा संकेत होता है चीज़ों को नहीं समझ पाना। हमारा क्रोध, हमारा अहंकार और हमारे आसपास जो लोग हमें गलत जानकारियाँ देते हैं, हम अपने विवेक और बुद्धि से सही निर्णय लें, क्योंकि जो आसपास के जितने भी सब आपके सब सभी आपके हितैषी नहीं होंगे और सभी लोगों का ऑब्जर्वेशन आपके लिए सही नहीं होगा, ये भी आप समझें। इसलिए कभी भी कोई भी जीवन में डिसीजन निर्णय लें, किसी भी व्यक्ति के बीच, दो व्यक्तियों के बीच जो भी बात हो, खासकर तनातनी का माहौल हो जाता है किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में, नाते में, खासकर पारिवारिक मुद्दे बहुत से हैं, तो अपने बुद्धि और विवेक से उसके हल की ओर जाएं, समाधान की ओर जाएं, न कि और उसे उलझाने की ओर जाएं। और ये एक पहल से हो सकता है। अगर आप पहल करेंगे तो बहुत सी चीज़ हो सकती है। क्षमा करने की अगर आप में शक्ति, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते वही लोग क्षमा कर सकते, किसी को माफ़ कर सकते, तो ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे दिन अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, ईश्वर का स्मरण और जप हमेशा करते रहें, अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें, अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। और चौथी और मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस युग में हो रही है, लोगों की कही सुनी बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, जो चीज़ें हमें भी प्रैक्टिकल देखना चाहिए फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति आपको कोई विषय पर बात कह रहा है तो आप खुद उसे ऑब्जर्व करें लाइफ में, फिर आगे बढ़ें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।